साहब, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, स्वागत है दोबारा से 26 कला चैनल पे आप सभी का। यहाँ से आज ऑफिस से रिटर्न आने के टाइम मैं इतनी क्राउड देखा पहली बार, जहाँ पे रोड तक जाम था। मैं सोचा एक बार यहाँ पे टेस्ट करेंगे खाना वगैरह, फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे को मेहमान नवाजी टाइप बहुत अच्छा लगा, तो सोचा यहाँ पे बात करेंगे पूरे ओनर से। ये पूरे ब्रदर्स है डेक्कन कबाब के ओनर्स, एंड यहाँ पे अपन बात करेंगे। भाई आपका नाम? मेरा नाम सैयद मोहम्मद हुसैनी मुजाहिद है। सो भाई आपको मैं सैयद बुला सकता, राइट? बराबर। सो अपन बात करेंगे सैयद भाई से यहाँ डेक्कन कबाब्स में। यहाँ पे जानेंगे इनकी स्पेशलिटी क्या है दोस्तों, उसके अलावा यहाँ पे ये कब से कब तक खुला रख रहे, और सहरी का टाइम है, अब जैसा रमज़ान का सीज़न है, सहरी के टाइम पे कब तक खुला रह रहे, और इफ्तारी का क्या सीन है, इफ्तारी के लिए कुछ ऑफ़र वगैरह क्या है, वो पूरा अपन पूछेंगे सैयद भाई से। सैयद भाई दोबारा से स्वागत है मेरा चैनल पे आप सभी लोगों का। यहाँ पे मैं ऐसे ही जा रहा था मेरे ऑफिस से, मैं इतना क्राउड देख के मैं खुद खुश हो गया, और ऊपर से आपकी क्राउड की भी रिस्पॉन्स इतनी अच्छी मिली मेरे को वीडियो लेने के बाद। या मेरे को सिर्फ थोड़े मेरे जो दर्शकों को बताने का था कि आप कब से कब तक खुला रखते हैं अपना डेक्कन कबाब्स, और स्पेशलिटी क्या क्या है, उसके अलावा अपन कब से शुरू करे थे, और इतना ट्रैफिक कैसा मैनेज कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा और अंदर के जानकारी। डेक्कन कबाब की शुरुआत 2012 में हुई है। एक हलीम को टेक ओवर करने के लिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया था, पत्थर का गोश्त। तो 2012 से आज तक पत्थर का गोश्त का अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स है, और टोली चौकी ही नहीं बल्कि शहर में पत्थर का गोश्त का कॉन्सेप्ट शुरू करने वाला डेक्कन कबाब से। और अल्हम्दुलिल्लाह अपन इफ्तार से लेकर सुबह सहर तक अपने पास ना सिर्फ पत्थर का गोश्त भर के हर किस्म का कबाब, ग्रेवीज वगैरह हर चीज़ मिलती है। और कस्टमर का तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आलम है कि मैं बयान नहीं कर सकता, वो तो आप अपनी आँखों से खुद देख चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसके अलावा आपके यहाँ पे स्पेशल आइटम्स में, अभी जैसे कबाब्स आपके पास है, ग्रेवी आइटम्स है, इसमें आप सबका स्पेशल आइटम कौन सा है? हमारे पास सबसे स्पेशल आइटम है पत्थर का गोश्त, और प्लस इस साल से हमने नया शुरू किया है ज़ाफ़रानी मरक। ज़ाफ़रानी मरक का तो जो है ये साल पहला साल है हमारा शुरू करते हुए, इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया है। मैं समझता हूँ अभी आने वाले दिनों में आपको आजू बाजू भी मरक बनना शुरू हो जाएगा, जैसा कि 2012 से अपन पहले थे, अब जैसे आपको 50 मिल जाएंगे, उसी तरह मरक भी देखना आप एक दिन। हर साल रमज़ान में मरक का भी कॉन्सेप्ट सब लोग शुरू कर देंगे। ये बहुत अच्छा लगा सैयद भाई आपका सुन के। इसके अलावा अब जैसा इतनी ट्रैफिक है रोड पे, गाड़ियां आपने बहुत पीछे था कि आप कैसा मैनेज कर रहे इतनी क्राउड? ये क्राउड को मैनेज करने के लिए मेरे पास कोई बाहर का आदमी नहीं है, ये मेरे पूरे ब्रदर्स, मेरे नेव्यूज़, मेरे जितने भी है रिलेटिव, मेरे दोस्त, पूरे हम लोग मिलकर पूरा कंट्रोल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा। सो दोस्तों यहाँ पे ना सिर्फ आपको टेस्ट के साथ साथ सब चीज़ का दिमाग में रख के सैयद भाई पूरा ऑर्गेनाइज करवा रहे ये चीज़। सैयद भाई इसके अलावा सुबह शहर के टाइम पे और इफ्तारी के टाइम पे कुछ ऑफर, यानी तो जो रोज़गार जिसके पास पैसा नहीं है, ऐसा कुछ कभी आ गया आपके पास, यहाँ कुछ ऐसा स्कीम भी है? रोज़े के टाइम पे जो है यहाँ पे इफ्तार का जो है पूरा इंतज़ाम होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई किसी से चार्जेस नहीं लेता, जो यहाँ से पास हो रहा है उन्हें जो है रुक के यहाँ पे इफ्तार कर सकता है। बहुत अच्छा है। सो दोस्तों अगर आप यहाँ का भी पास हो रहे और आपको इफ्तारी के टाइम पे अगर देर हो रही और कहाँ खाना कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप डेफिनेटली डेक्कन कबाब टोली चौकी पे रुक के आप लोग इफ्तारी कर सकते हैं और सहरी भी कर सकते हैं जैसा सैयद भाई बोले। इसके अलावा सैयद भाई यहाँ पे आप लोग टोटल एक्चुअल कितने ओनर्स है अगर पूछूं तो, यहाँ पूरे सब ओनर्स के बराबर ही है? यहाँ पर सब ओनर्स है, यहाँ पे कोई एम्प्लॉय नहीं है, यहाँ पे सब ओनर्स। ये मतलब आपका फ्रेंडली नेचर है सबका? फ्रेंडली नेचर है, चाहे मेरा लड़का रहो, चाहे मेरे दोस्त रहो, चाहे मेरे लड़के के दोस्त रहो, मेरे भांजे रहो, भतीजे रहो, यहाँ सब सेट है, यहाँ पे नौकर कोई नहीं है। ये बहुत अच्छा लगा सैयद भाई आपका सुन के। इतना मेरे को खुद अंदर आए बाद जितना कस्टमरों का रिस्पॉन्स मैं जो हिसाब से देखा कि वीडियो लूँ नहीं लूँ, अब सब लोग इनकरेज करें, मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद भाई आपका सुन के। ये इंशाल्लाह आगे आपको ये मरक के लिए भी कामयाबी दे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, शुक्रिया। सो दोस्तों अगर आपको कभी भी ऐसा टाइम मिले, मैं तो बोलता हूँ आके एक बार टेस्ट करो, यहाँ पे सब आइटम एकदम लजीज और लाजवाब है। मैं आपको वो चीज़ों का भी बताऊँगा वीडियो में ये कैसा बन रहा और कैसा सर्विंग है यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, और पूरा वीडियो एंड तक देखो, मेरा हमेशा से यही सजेशन रहेगा। सो दोस्तों अभी जैसा अपन सैयद भाई से बात करें वहाँ पे, यहाँ पे मैं देखा मरक का जो सैयद भाई इन्फॉर्मेशन दी अपने को कि यहाँ पे सबसे पहला डेक्कन कबाब से टोली चौकी पे शुरू करे सो, और हैदराबाद में ये ट्रेंड रमज़ान के टाइम पे शुरू करे सो अपना डेक्कन कबाब जी चे यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं अपने अबरार भाई। आइए थोड़ा यहाँ पे आज इस ये बार का रिस्पांस कैसा है मरक का, और ऊपर से ज़ाफ़रानी मरक है ये, उसके बारे में अपन थोड़ा पूछेंगे अबरार भाई से। अबरार भाई आपको ये बार का रिस्पांस जैसा पहली बार है कैसा दिखा ये मरक का? अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो सबको रमज़ान करीम हमारी तरफ से। मरक का कॉन्सेप्ट हम ना बहुत दिनों से सोच के रखे थे,
ये बार रमज़ान में हम लोग इसको लॉन्च करे और रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल कम मार्जिन में हम लोग जो है इसको कर रहे, क्वांटिटी भी अच्छी दे रहे, मीट की भी क्वांटिटी अच्छी दे रहे। अब फर्स्ट टाइम हम चालू करें, अब देखना कितने लोग आगे ये काम करके हमारे अपने नाम पे डाल लेते, मतलब मरग हम बनाए, मरग हम बनाए, मरग एक्चुअली देखा गया तो हम बनाए टोली चौकी में, जो ऐसा मरग को लाने वाले अबरार मलिक, और बेहतरीन जायके में जो ऐसा हम पब्लिक को सर्व करें, पीछे पूरी पब्लिक बैठे हुई, आप सबसे टच कर सकते हैं, पर्सन टू पर्सन टेस्ट कैसा है आपको खुद वहाँ से रिप्लाई मिल जाएगा। बस हमारी नीयत थी लोगों को खिलाना अच्छा, रोज़ेदारों को अच्छा खिलाना, इसीलिए जो है सो हम ये काम को जो है सो आगे लेके गए। अच्छा लगा अबरार भैया से, आप लोग से हमारी गुजारिश है, आप लोग आइए, लुत्फ उठाइए रमज़ान में। रमज़ान में क्या है, बरकतों का महीना है, ये बरकत ही से अल्लाह की कहीं ना कहीं से, मगर ये बरकत बोल के कहीं आप बाहर के चक्कर में आपकी इबादत ख़राब ना कर लो, इबादत पूरी कम्प्लीट कर लेगा, पूरी रात भर रहेंगे हम सही तक रहेंगे इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत। सो दोस्तों जैसा अपने अबरार भाई बोले, यहाँ पे पूरा तरीके से सब ध्यान रखते हुए अबरार भाई मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा अबरार भाई आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया।